वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोत्या नू मेरे सतंत्र कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी बलियो चिराग किताब के अगले भाग नू पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 42। सुल्तानपुर विच, सुल्तानपुर जे तलवंडी नू एह सुभाग प्राप्त है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी जीवन के मुढ़ले 32 साल उत्थे गुजारे अते कई राह सुखाले कीते, तां सुल्तानपुर नू भी यह माण प्राप्त है कि गुरु नानक देव जी ने भर जवानी दे 4.5 साल उत्थे गुजारे सन। उत्थे ही 13-13 दी धुनी उठी सी। उत्थे ही हिंदू मुसलमाना नू सोझी मिली सी कि ना कोई हिंदू ते ना कोई मुसलमान। उत्थे ही सड़दे संसार नू ठंड पाउण वाला मूल मंत्र मिलिया सी। जप दा मुढ़ भी उत्थे ही बज्जा सी। उत्थे ही बाबे ने निर्णा लिया सी कि धरती दे लोकां नू सोधन लई मैदान विच नितरना चाहीदा है। भाई गुरदास जी दे शब्दां विच उत्थे ही बाबे ने ध्यान धर दिठा सी कि धरती जल रही है अते गुरु तो बगैर लकाई हाहाकार कर रही है। उत्थे ही साडे लई रब दी दरगाह तों पुरातन जन्म साखी वाला लिखदा है कि जप भी लियाए सन जिस नू जपन नाल ना नाम रहिंदा है ना नामी। उत्थे ही मोदी खाने दा कार्ज संभाल बाबे ने किरत अते कारा करन वालिया लई पूरने पाए सन। सुल्तानपुर नहीं पिछों गुरु अर्जन देव जी ने भगत भंडारा कहा सी। गुरु नानक देव जी दे जीवन विच सुल्तानपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है। सुल्तानपुर सफेद वई दे किनारे पुरानी जरनैली सड़क ते वसिया एक पुरातन शहर है। 11वीं सदी विच यह एक प्रसिद्ध छावनी सी। वई तो पार खंजूरां दे ब्रिशां दी होंद यह सिद्ध करन लई काफ़ी है कि तुरानी फौजां उत्थे छावनी पा टिकदियां सन। महमूद गजनवी दे एक फौजदार सुल्तान खान लोधी ने इस शहर नू वसाया सी अते उस दी संतान दे एक होर जी दौलत खान लोधी ने 15वीं सदी दे आरंभ विच दिल्ली ते कुछ चिर राज कीता सी। पर खिजर खान नां दे एक होर जरनैल ने 1414 ईस्वी विच दिल्ली ते कब्जा कर लिया अते दौलत खान नू हिसार फिरोजा भेज दिता। जरनैल खिजर खान ने उमर बेग ते प्रसन्न होकर उसनू सुल्तानपुर का वसिया शहर जगीर विच दे दिता। उस दे घर 1458 ईस्वी नू दौलत खान का जन्म होया अते गुरु नानक देव जी जद सुल्तानपुर 1501 ईस्वी विच पुजे तां इह दौलत खान लोधी ही राज कर रहा सी। सुल्तानपुर दौलत खान की जंगीर सी। लाहौर का वह नवाब सी। सिकंदर लोधी के चाचे का पुत्र भरा सी अते इब्राहिम लोधी का चाचा सी। इसे दौलत खान ने अपने भतीजे इब्राहिम नाल मत्था भी लगाया सी। दौलत खान नू उस समय बहुत गुस्सा आया जद इब्राहिम ने मियाँ बुआ वर्गे विद्वान नू निरोल इस करके कतल कर दिता सी कि उसने महावैदिक ग्रंथ नू फारसी अखरां विच करके तिब ए सिकंदरी क्यों बनाया सी। इब्राहिम ने कई सरदार बेदोशे ही कतल कर दिते सन। अपने पुत्र गाजी खान कोलों दिल्ली उत्ते अत्याचार हुंदे सुन के दौलत खान ने बाबर नू हिंदुस्तान ते हमला करन लई लिखिया सी। पिछले 50 सालों तो सुल्तानपुर इस्लामी तलीम प्राप्त करन दा केंद्र भी बन गया सी। कई विद्वान दिल्ली दी हकूमत हथों सताए उत्थे आ टिके सन। सुल्तानपुर इन्ना प्रसिद्ध हो गया सी कि पिछों शाहजहां ने उत्थे ही विद्या प्राप्त कीती सी अते अपने पुत्रां दारा अते औरंगजेब नू समय दे प्रसिद्ध विद्वान मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी पास ही पढ़ने पाया सी। दारा दा सुभा ता खुला है ही सी। मुआसरे आलमगीरी वाला लिखदा है कि औरंगजेब भी कई बार दरबार विच प्रचलित पंजाबी अखाण जो असल विच गुरु साहिबान दी बाणी सी लोड़ वेले बोल दिंदा सी। एक बार औरंगजेब ने दरबार विच हो रही चर्चा वेले एक पखंडी दा पाज
उघेड़न लई गुरु नानक पातशाह दा इह सलोक पढ़िया। कुल्हा देंदे बावले लेंदे वड्डे निलज, चूहा खाड़ना मावी तीकल बन्ने छज। एक होर विद्वान काजी नूर उला भी उत्थे ही रहिंदे सन। वही तो पार उत्तर वल नूं गुरद्वारा बेर साहिब तो उत्तर चढ़दे वल उजाड़ विच एक पुरानी गुंबद वाली इमारत जिस नूं हुजरा हजीरा कहिंदे सन, ओह प्रसिद्ध मदरसे की याद दिलवाउंदी है। इस दा चुकंदा हुण ढह गया है अते उच्चे थड़े ते बनी इमारत है। पुरानी जरनैली सड़क इसे पासे दी गुजरदी सी। अकबरनामा दी जिल्द दे पन्ना 704 ते लाहौर तो फतेहपुर जांदी वड्डी सड़क दा वेरवा दिता है। यह सड़क लाहौर तो कलानौर, कलानौर तो जलालाबाद, सुल्तानपुर, जलंधर, हदियाबाद, माछीवाड़ा, सरहंद, अंबाला, शाहबाद, थानेसर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, दौलताबाद, सराए वड्डे अते फतेहपुर तो होके जांदी सी। सुल्तानपुर एक जरूरी अते वड्डा पड़ा सी, शहर दी रौनक वेखण वाली सी। जद गुरु नानक देव जी इत्थे पुजे सन उस समय इस दे 32 प्रसिद्ध बाजार सन। बाजारां दे नावां तो ही पता लग जाएगा कि सुल्तानपुर एक वड्डा शानदार शहर सी। बाजार शराफा, बाजार नगमा साजा, पसार खान, अदीविया फरोशा, अंगी बाजार, चूड़ी फरोशा, खुशरोमी बाजार, हलवाइयां बाजार, नानबाइयां, चिकली बाजार, रूई घरां बाजार, बस्तियां बाजार, ऐब रेशम बाफां बाजार, करदगारां बाजार, सपगरां बाजार, कमान नगरां अते इस तरह के किन्ने होर बाजार शहर की शोभा अते आकार दर्शाउंदे हन। सो जद गुरु नानक देव जी ने भाई जय राम जी के कहने सुल्तानपुर जाना मान लिया तो वह अनुभव कर रहे सन कि सुल्तानपुर तलवंडी बाद एक ठीक केंद्र है जिथे वह अपने आदर्श अते उदेश दृढ़ा सकते सन। उन्हां दा सुल्तानपुर विखे मोदीखाने का काम संभालन का निर्णय लेना एक युग पलटाऊ फैसला सी। मोदी भाई जय राम जी दौलत खां लोधी दे दीवान सन। दौलत खां पास नित शिकायतां पुजदियां सन कि मोदीखाना ठीक नहीं सी चल रहा, रसदां ठीक नहीं पुजदियां, लोड़वंदां नूं धिकार मिलदी है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੰਡਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅੰਨ, ਗੁੜ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸ਼ਾਹੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਣਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਗਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਣਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਵੱਧ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਲੂਫਾ ਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੂਫਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਕ ਹੈ ਅਰ ਮਰਦਾਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਆਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਲ ਅਤੇ
निरकपट चेहरा देख के उसे समय आख दिता, यह तो कोई औलिया है, ई मर्द खुदाई सूरत नज़र आवता है, मोदी का काम किस तरह निभाएगा। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, सब काम करतार दे हाथ हैं, आदमी का उद्दम ओहो ही सफल करने वाला है, किसी की दमड़ी ना राखे। गुरु नानक देव जी ने सहजे ही सारे कामों समझ लिया और सब तो पहली इत्याद मोदी बाबे ने यह वरती कि जैसी रसद नवाब दे घर जाए तैसी होरां लोकां नूं मिले। मेहरबान जी जन्म साखी विच लिखते हैं कि नानक जी आप दयानतदार, किसी का किछ लै नाहीं, होरस का हक गवाए नाहीं, धर्मों धर्मी चलाए, अगे जो लोक पीछे लागे फिरते, हक ना पावते थे अब सब को हक पहुँचे, सब लगे दुआए देन, या खुदाए तू नानक जी का भला कर, जो सबना दा हक पहुँचाउंदा है, किसी नू रंज नहीं करदा। अगे जो मोदी थे सो दहनीमी, काट लेंदे गुरु नानक नाहीं, सब आखे वाह वाह नानक दयानतदार। पुरातन जन्म साखी वाला भी लिखता है कि नानक जी किसी की दमड़ी ना रखे, बड़ी सोभा होए सब रईयत लगी दुआए देन। महिमा प्रकाश ने तो सगों यह लिखा है, जो भूखा प्यासा चल आवे दयाल के, पर पलड़ा तिस दे तराजू ढाल के। भाई संतोख सिंह जी ने गुरु नानक देव जी का गरीबा अते लोड़वंदा दियां लोड़ां पूरियां करदे देख अलंकार खिंचिया कि इंज प्रतीत हुंदा है कि पुन उपकार विरती ने ही अपना शरीर धार के गुरु नानक रूप विच आ दुकान चलाई है। सट्टा ए कि गरीब भुख नंग अते दुख सुल्तानपुर तो कूच ही कर गए हैं। मानो पुन तन धार निज कीनी आन दुकान, दर्द शुदा जो नग्नता तज गए पुर सुल्तान। गुरु नानक देव जी का हथ बड़ा खुला सी, दिल दरिया लोड़वंदा दियां लोड़ां पुछ के पूरियां कर दे, ग्रहसत विच उदास सन। कुछ चिर पिछों बाबा जी ने मरदाना जी नूं भेज के माता सुलखणी अते बच्चियां नूं भी सदवा लिया। दौलत खां ते गुरु नानक देव जी की शख्सियत का ऐसा प्रभाव पिया कि उसने एक हुक्म राही यह कहा, जितनी मेरी यह सरकार है इतनी सब नानक जी दे हवाले करो। फिर गुरु नानक जी दे कहन ते सुल्तानपुर तो पहला फौज हटाउणी अते फिर हटा ही दिती। बचाए खर्च नाल लोड़वंदा लई सरकारी लंगर लग गए, सवाली फकीरी खाली ना जाए। भाई मणि सिंह ने लिखा कि दौलत खां पास यह शिकायत भी की गई कि खैरायत ते बहुत खर्च हो रहा है, सिपाही का खर्च 100 रुपए रोज़ उठता है अते खैरायत रोज़ 500 रुपए उठती है। शिकायत करने वालों नूं दौलत खां ने यह ही कहा कि सुल्तानपुर दे भाग हन कि ऐसा मोदी मिलिया है। गुरु नानक देव जी की वड्याई अते सोभा सुन के तलवंडी तो किन्ने लोग रुजगार प्राप्त करन लई सुल्तानपुर आए, तिस पिछे होर खाए कनेरी वाली गल होई। मेहरबान जी दे शब्दां विच जेहो जिहा कोई काम जाने तेहो जिही उस टहल मिले, सब कोई सदका बाबे जी दा बाफरात रोटी खाए, कम पातशाही जोड़ छोड़ियो, सो उस ही भांत काम सरकार का चाले। भाव उन्होंने सरकारी काम विच ऐसी तरतीब अते मर्यादा बन दिती कि सारे काम अपने आप अते समय सिर होण लगे। संगत दीनी सुल्तानपुर विच गुरु नानक देव जी की नित किरिया बारे लिखा मिलता है कि गुरु नानक देव जी पिछल रात जागदे अते इशनान करन लई वेई चले जांदे, इशनान करके वेई किनारे ही पहला
कुछ चिर उसकी याद विच जुड़दे अते फिर कीर्तन करदे। भाई मरदाना जी नाल ही हुंदे, वही किनारे ही संगत जुड़न लग पई। सवेरे ही प्रशादा छक के गुरु नानक देव जी तड़कसार दरबार लगन तो पहला ही पुज जाते अते किसी का भी राज दरबार तक कोई काम होए सिद्ध कर देंदे। सारियां दा काज सर जांदा, हर एक दी फरियाद सुनी जांदी। दौलत खां भी उस ते ही मोहर लगा दिंदा जिस ते बाबा जी कहिंदे। दरबार विच किसी का काम अड़िया ना रहा। भूमिए चौधरी कानोगो करोड़िए गरीब रहा अते होर सब गुरु नानक जी दी सूझ ते हैरान हुंदे। सच्ची गल तां इह है कि हर किसी की जुबान ते इह ही सी, हे परमेश्वर नानक जांका तू भला कर। इस कारण ना रयत ना चौधरी ना कानोगो ना सिकदार झगड़दा है, ना किसी नू बंदी खाना मिलता है, ना कोई तनींदा है। धन है नानक जिस दे आवण कर सब सुख होया है, लोकां बहुत सुख पाया है। दौलत खां तां गुरु जी का मुरीद ही बन गया। यह ही कारण है कि भाई गुरदास जी ने दौलत खां का नाम गुरु नानक देव जी दे सिखां दी सूची विच लिखिया है। भाई साहिब दे शब्द हन, दौलत खां लोधी भला होए जिंद पीर अविनाशी। मकालफ दे कहन अनुसार देश विच धुम पै गई। रात दिन बाबे पास मेला अते लंगर लगा रहे। मड़ी मसाणी मूर्ति मन्नण तों हटा के लोकां नूं परमेश्वर वल प्रेरदे, भेखां दी निखेधी करदे, दिहाड़ी रसदां संभालदे, रकमां इकट्ठियां करदे अते हिसाब करके वापस घर मुड़दे। रोज़ परचा लिख के पहुँचा दिंदे, शाम नूं सौदर पिछों प्रशादा छकदे अते रात नूं फिर कीर्तन ते सोहला पढ़ के सौं जांदे। शाम नूं कई फकीर अते दरवेश उन्हां दे पास आ जांदे अते उत्थे ही लंगर पाउंदे। पुरातन जन्म साखी दे लिखण मुताबक अर जो किछ अलूफा गुरु नानक जोग मिले सो खावे, होर परमेश्वर के अर्थ देवे अते निता परत राह क्यों कीर्तन होवे। इस सोभा हुंदी विच भी गुरु नानक देव जी किसे पल प्रभु दा नां नहीं सन भुलदे। उन्हां दे मुख ते तेरा तेरा ही रहिंदा सी। कई वार वजद विच आ के निरंकार करतार नानक बंदा तेरा दी धुनी भी लगा देंदे। एक पासे पूरन हिसाब, दूजे पासे तेरा तेरा दी धुनी कईयां नूं हैरान करदी सी। कई वारी आपू धारना तोलदे फरमाउंदे, असी ठूंगा क्यों मारीए, अपनी आत्मा ते वट्टे पत्थर बना के आत्मा नूं डोब दिंदे हन, पासकू क्यों रखिए, इखलाक विच काणो पै जांदी है, कणक उसदी है, असी क्यों गिणतियां करिए, शक्कर उसदी है, शक्कर तोलदे क्यों कौड़ा बोलीए, घाटा पैंदा है उस नालों टुट जाण विच अते वाधा हुंदा है उस नाल जुड़न विच, उस दियां दातां नहीं निखुटदियां, खाण वाले मुक जांदे हन, पर उपकार कईयां दियां लोड़ां भी पूरियां करदे। किसे थोड़े होए दे बच्चे दी शादी होवे तां आप विच पै के सारा कारज करवाउंदे, जिहड़ी वस्तु दी लोड़ पैंदी नगरों पूरी करदे जां लाहौर तों मंगवा के दिंदे। मुंशी सोहण लाल सूरी ने इस संबंध विच लिखिया है कि आप पास जो भी फकीर गरीब गुरबा मसकीन नेताणा अते मुथाज आउंदा, आप उस नूं रोटी पाणी अते वस्तु आदि दे के बहुत सेवा करदे। कुछ लोगों नूं गुरु साहिब की महानता का कोई ज्ञान नहीं सी, उन्हां गुरु विरुद्ध चुगलियां भी करनियां, पर हिसाब करन ते हर वारी गुरु साहिब का रुपया नवाब दे जिम्मे ही निकलदा। महिमा प्रकाश दे शब्दों विच दौलत खां तब बुझिया नानक है बड़ साध, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़ो संतन मता अगाद, तब कहा खान मोसो भई भूल नानका तू बरकत का मूल। मलसीहा दे चौधरी भाई भगीरथ ने गुरु जी दी नित दी कार देख के
काली की पूजा छड्ड दित्ती अते सेवा विच जुट गया। भाई गुरदास जी ने उस दी काली की पूजा तो हट के गुरु शरण लैन का खास जिक्र किया है कि वह भगीरथ जो काली पूज सी सिफत सलाह विच जुड़ गया। मलसीहा विच आखिए भगीरथ काली गुण गावे। भाई मणि सिंह जी लिखते हैं कि भगीरथ ने काली नू गुरु नानक दे वेड़े झाड़ू देंद्या तकिया सी। पुछन ते काली ने कहा सी, भगीरथा हैरान ना होवो, मैं ही काली हाँ, सेवा करती हाँ तां मेरे मन विच शक्ति हुंदी है। गुरु नानक देव जी ने सोझी दित्ती कि लोक सेवा ही शक्ति दिंदी है। भले पुरशां दी संगत ही दीदार है, संगत कर वाहेगुरु दे गुण गाने ही असल दीदार है। भगीरथ जी सतसंग करन लगे, ओह अमृत वेले जागदे, वेई इशनान करन भी नाल ही जांदे। दिन रात अभ्यास करन अते सारा दिन संत सेवा विच बिताउन लगे। सूरज प्रकाश दे शब्दां विच रहत पईयो दर्शन नित करही, चरण पखार हरख उर तरही, ज्यों करुणा निध देहे रजाए, तैसे करे सदा मन पाए। भाई गुरदास जी ने इसे लिए लिखा है कि हुण भगीरथ सिवाए प्रभु दे गुण गायन तो होर कर्म पूजा पाठ नहीं करता। भाई मनसुख इसे भाई भगीरथ नू गुरु नानक देव जी लाहौर जां होर मंडियां विच सौदा लत्ता लैन लई भेजा करदे सन। एक वारी जद एक गरीब खत्री दी लड़की दी शादी बहुत नेड़े आ गई तां उस दे सारे दाज दिउण लई गुरु जी ने भगीरथ नू ही लाहौर भेजिया सी। उत्थे भाई भगीरथ जी दी निराली रहणी अते पखंड रहत पूजा देख के भाई मनसुख बहुत ही प्रभावित होया। ऐसा प्रभाव पिया कि वह अपनी लड़की लई तैयार चूड़ा लैके गुरु जी पास पूजा अते लोड़वंद दी लोड़ पूरी कीती। गुरु नानक जी ने भाई मनसुख नू दूर व्यापार करन दी प्रेरणा दित्ती अते फरमाया, मन दा सुख है ममता गवाए। भाई मनसुख दे पवित्र विहार सदका नानक नाम लंका दे टापुआं तक पूजा। गुरु नानक देव जी ने भाई मनसुख नू तीन गल्लां पल्ले बन्नण लई कहियां सन, नाम विच लिव लावणी, हिउमे जितनी अते भाणे विच सुख मनाउणा। जद लंका विच भाई मनसुख विरुद्ध शिकायतां होईयां कि इह राज धर्म अते ब्रह्म धर्म नहीं अपनाउंदा तां आप जी ने भरे दरबार कहा सी, जो पिछल रात उठते हैं नाम जपते हैं यथा शक्त दान करते हैं तिन को अनेक ग्रायत्री के पाठ का फल है। किरत अते कीर्ति दौलत खां ने एक वारी जय राम जी नू कहा, जय राम जैसा तू कहता था तिस्ती भी बल्कि जाजत है। कई बार पाशा यह भी सोचते, ए परमेश्वर मेरा मन इस गल विच नहीं, यह गल अचानक मेरे गल पई, मेरा ध्यान किथाओं होर है, यह गल किछ होर। कई बार चुप कर जाते पर फिर आखते, माया विच रह के माया तो उच्चा रहना ही ठीक है। माया भी परमेश्वर की और राज भी परमेश्वर का, पाठ भी परमेश्वर का, रयत भी परमेश्वर की, बुरा भी परमेश्वर का, भला भी परमेश्वर का, ये जो चाकरी है सी भी परमेश्वर की कर जान। जे एक दौलत खां दी टहल है कि परमेश्वर की टहल है। किरत नाल कीर्ति किवें जोड़ रखी हुई सी उस दी एक उदाहरण जन्म साखी वालियां दित्ती है। एक वारी हिसाब लेखा जोखा करदे बहुत रात गुजर गई, सौदर अते सुहेला दा समा भी गुजर गया अते आप जी ने बहुत ही महसूस कीता कि सतसंगियां नू कहन लग पए, मेरा सिर क्या होवेगा,
एक दिन नेम विच रता कु विघन पैन ते एह वचन कहने उन्हां दा आखा जीवा विसरे मर जाऊं वाला सुभा ही दर्शाउंदा है। जद तक सौदर कीर्तन ना कर लिया प्रसाद ना छकिया, जद किसी पुछया कि नेम दे अगे जा पिछे होण नाल क्यों तुसा इन्ना महसूस किया, तो आप जी ने प्राणी मात्र नू उपदेश हित फरमाया। तन मन धन दे लालच विच परमेश्वर का नाम विसर गया, तो क्या करना है यह धन, क्या करना है तन, क्या करना है राज सुख संपो जिन्नी परमेश्वर विसारिया। गुरु नानक देव जी ने उत्थे ही सब नू सोझी दिती कि दुनिया माया माया करती है, माया तो किसी पास है नहीं, यह सब माया की छाया है, मनुख नू माया नहीं हिरस मारती है। गुरु नानक देव जी जब ऐसे बचन कर रहे सन तो आवाज आई नानक तू मेरा है। जब सारे पुछन कि काम की भला है, तो आप जी फरमाउंदे खुदाए का काम भला है जिस मह साहेब है साई कार करे होर काई ना करे, सफलता उसे नू मिलती है जो आप नू रद्द करता है, होरना नू भला जानता है अते निश्चय कर लैंदा है कि मेरे तो सब कोई चंगे हन, हों ही किछ नाहीं। पिता कालू जी का आना। गुरु नानक देव जी की शोभा सुन के पिता जी आए अते आउंदिया ही उन्हां पुछया कि कुछ जोड़िया भी है कि नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा पिता जी माया हाथ विच नहीं ठहरती, इधर तो आउंदी है उधर चली जाती है, नहीं हाथ के आथ करे थिरता, इत आवत है उत हूँ चल जाई, तेरा तेरा। इस तरह साढ़े चार साल लंघ गए। अहमद शाह बटालवी दे कहन अनुसार जद भी तेरह दे हिंदसे ते अपड़दे तां लगातार तेरह तेरह कही जांदे अते लोकां दी झोली विच आटा पाई जांदे। एह मारफत दी एक रमज सी जिस दा भाव सी कि वाहिगुरु मैं तेरह हाँ। कन्हैया लाल लिखदा है कि उन्हां सालां विच फकीरां दरवेशां अते संतां भगतां दी एक संगत जही बन गई। दोखी तां मौके दी ताड़ विच सन कि गुरु नानक देव जी नू मोदी खाने तों किसे तरह हटाया जाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं कि इस तों पहला कई बार शिकायतां हो चुकियां सन, कदी हिसाब विच घाटा ही नहीं सी निकलदा। नवाब ने शिकायतां सुननियां बंद कर दित्तियां, पर ऐसा समा आ गया जद तरीखे पंजाब दी लिखत अनुसार एक दिन गुरु जी रसद तोल रहे सन कि जद तोल तेरह ते आया तो गुरु जी रब्बी चाओ अते प्रीति विच इन्ने मस्त हो गए, तेरह तेरह ही कहिंदे गए अते मोदी खाने विच पिया सैकड़े मन अनाज लुटा दिता। जद यह खबर नवाब नू मिली तां हिसाब करन दा हुक्म दिता गया। बख्त मल ने खालिसा नामा विच इसे भाव दी वार्ता लिखी है कि गुरु जी एक दिन मोदी खाना बैठे कार पए करदे सन कि एक आवाज जही आई तू किस कारे लगा होया है, मैं तां तैनूं आत्मिक राज प्रदान कर चुका हाँ। गुरु नानक देव जी ने जिवें ही उतां डिठा मारफत दे रंग रंगे गए, असली मस्ती छा गई। मोदी खाने का सारा समान भुखियां नंगियां दी भेट कर शहरों बाहर निकल गए। तारीख खालसा अनुसार उन्हां नूं बंदी विच वी पाया गया। तीन दिन हिसाब हुंदा रहा, हिसाब ठीक सी। हिसाब जादो राय नां दे मुंशी ने कीता सी। जद पड़ताल बारे नवाब ने पुछया तां जादो राय कहा नवाब सलामती 321 रुपए नानक जी जाफा उठे हैं। तो नवाब ने खजानची भवानी दास नू गुरु नानक देव जी नू अदा करन दा हुक्म दिता। गुरु जी ने सारी रकम खैरात देन लई आग्या कीती, पर नाल ही एह वचन कीते जिथे मेहनत दी इतनी बेकदरी होवे सच्चाई त्याग के शक अते कूड़ दा प्रभाव होवे उत्थे मेरे लिए काम करना संभव है। यह तुक भी पढ़ी
राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो। गुरु नानक देव जी ने उत्थे ही यह मन बना लिया कि फिर मोदीखाना नहीं संभालना। जब सवेरे वह इशनान करन ले गए तो मुड़ के ना आए। शहर विच रौला पै गया कि गुरु नानक जी वेई विच प्रवेश तो बाद अलोप हो गए हैं जां किसी दरियाई जानवर ने खा लिया है। नवाब ने भी जाल सुटवाए, सिर्फ एक बेबे नानकी ही सी जो नहीं डोली। सब नू आखदी कि तारण आए हैं, उन्हां नू जल नहीं डोब सकता। वई दा उपदेश। तीन दिनों उपरंत गुरु नानक देव जी ने इतिहासिक निर्णय लैके वेई वालों ही शहर वल प्रवेश किया। परमात्मा दे दर तो गरीबी नाम की दात लैके मुड़े सन। पुरातन जन्म साखी के शब्दों विच परमेश्वर के सेवक गुरु नानक जी नू परमात्मा पास लैके गए तो अमृत का कटोरा भर भर आग्या नाल मिलिया। हुक्म होया, नानका यह अमृत नाम का प्याला है, तू पियो। तब गुरु नानक तस्लीम कीती, प्याला पीता। साहेब मेहरबान होया, बचन कीता, नानका मैं तेरे कोल हाँ, मैं तेरे ताई निहाल किया है, तू जाए कर मेरा नाम जप और लोकां थी भी जपाए और संसार थी निर्लेप रहो। नाम दान इशनान सेवा सिमरन विच रहो, मैं तेरे ताई अपना नाम दिया है, तू एह किरत कर। तब गुरु जी ने मत्था टेकिया अते भी तेरी कीमत ना पवे, हाँ केवड आखा नाओ दी धुनी लगाई। उधरों यह धुनी उठी, नानक मेरा हुक्म तेरी नदरी आया है, तू मेरे हुक्म दी सिफत कर। तद ही गुरु जी ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच उचारिया। उत्थों ही जप मिलिया। कहिंदे हन कि जद हजरत मुहम्मद साहिब अल्लाह दी दरगाह विच पुजे तां अल्लाह ने कहा, मुहम्मद मेरे लिए क्या लियाए? तां उन्हां फरमाया, बंदगी। इह इत्थों बंदगी लै के गए। गुरु नानक जी उत्थों रब दी दरगाह तो जप लियाए, जिस दे पढ़न नाल हुक्म अते हुक्मी दी पछाण आएगी अते फिर ना नाम रहेगा ना नामी, एकमिक हो जाएगा सब कुछ, सीतो सीता महिमा माहे। यह ही कारण है कि जप साहिब अते किसे एक गुर महल दी शाप नहीं, यह अल्लाह दा गीत है। सच पछाणन लई सानू गुरु नानक जी ने दरगाहों लिया के दिता है। पुरातन जन्म साखी वाला वार्ता जारी रख दे लिखता है कि तद फेर सच पुरख तो आग्या पाई हुक्म हुआ, नानक जिस उपर तेरी नदर तिस उपर मेरी नदर, जिस उपर तेरा कर्म तिस उपर मेरा कर्म, मेरा नाओं पार ब्रह्म तेरा नाओं गुर परमेश्वर। निम्रता विच तू दरियाओं दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाह। गा के गुरु नानक वापस मुड़े। शंभूनाथ दी जन्म पत्री ने भी इस प्रकार ही जिक्र किया है। भाई नंद लाल जी ने जंगनामा विच इस बख्शिश दरों लैन दी साखी अते होए बचना नू इस तरह लिखिया। अकाल पुरख ने बाबे नानक नू दोहां जहाना दा मुर्शद दा खिताब दिता अते अनेकां बख्शिशां नाल निवाजिया। गुरु नानक देव जी ने निम्रता नाल कहा, वाहेगुरु मैं तेरा बंदा हाँ, तेरा गुलाम हाँ, तेरे साजे हर आम खास बंदे दी मैं धूड़ी हाँ। वाहेगुरु वल्लों इह बचन कहे गए, हे नानक मेरा स्वरूप मेरी पूर्ण जोत तेरे विच है, मैं आप तेरे विच हाँ, तेरे अंदर ही गैर कोई नहीं।
भाई नंद लाल जी के कथन मुताबिक संसार फेरी करन दी आग्या हुई। यह भी वचन होए जिस ने सिद्धि करामातां अते जादू नूं ही धर्म बना लिया है। उन्हां नूं सच्चा मार्ग दसो तां कि ओह सिमरन राही सच नूं पा सकन। उन्हां नूं याद पक्की करन दा वल सिखाओ। संसार नूं दुख सुख दा अंतर पता नहीं, मेरे वल्लों मूँह मोड़ के दुखी हो गए हन। इन्हां दा मूँह इधर फेर दिओ, प्रभु दी याद बिना होर कोई सहाय नहीं। चौथे दिन जद गुरु नानक देव जी शहर विच दाखिल होए तां खफनी बन के पुकार रहे सन, ना को हिंदू ना मुसलमान। यह याद रहे कि सिकंदर लोधी ने इतिहासकार फरिश्ता दे कहन अनुसार एक बोधन ना दे ब्राह्मण जो लखनऊ दे नेड़े रहिंदा सी दा निरोल इस लई सिर वढ़न दा हुक्म दिता सी कि उसने कहा सी इस्लाम भी चंगा है अते हिंदू धर्म भी माड़ा नहीं। उस इस्लामी राज विच ना को हिंदू ना मुसलमान कहना सिर तली ते रखना ही सी। इसलिए जन्म साखी वालिया लिखिया है कि जद ओह वेई तो बाहर आए तां खफनी पहर कर निकल गया। सच्ची गल कफन बन के ही आखी जा सकती है। सारा शहर इस इनकलाबी बचन बोलन वाले दे दर्शनां नूं टुट पिया। जद हर कोई उस्तत करन लगा तां आप जी ने भाई भगीरथ आदि सिखां नूं कहा, मैं लोकां स्यों किया है, जहां तो तमाशगीर है, बाजी की न्याई आवत है। गुरु बाबे दा चमत्कारी चेहरा देख के कई कहन लगे, अगे ता बाबा होर था अब और हुआ। कुछ लोकी पूछन लगे, ए ता दसो कि एक मुसलमान दा राह है दूजा हिंदू दा, तुसी केड़ा राह चुनोगे? जी ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, गुरु नानक देव जी ने इतिहासिक बचन बोलदे फरमाया। तुसी पुछदे हो किस दे राह ते होवीए, खुदा दे राह होवो। खुदा ना हिंदू है ना मुसलमान, असाडी नज़र विच कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं। उत्थे ही दौलत खान दे अहलंकार पुजे अते उना नवाब वल्लों संदेश दिता। तां पुरातन जन्म साखी दे शब्दां विच तब गुरु नानक कहा, मैं तेरे खान की क्या परवाही पड़ी है। यह दूजा इनकलाबी सी जो उत्थे होया, शाहां दी परवाह हटाउणी ही खुदाई बंदियां दा काम है। मनमुख होए बंदे दा बंदा पाशाह दा कहना सी। जद दौलत खां नूं पता लगा कि अलंकार ने रोहब नाल गुरु जी नूं बुलाउणा चाहिया तां उस ने अहलकार ते गुस्सा कीता अते निम्रता नाल कहला भेजिया कि नानक जी रजाए खुदाए तूं आओ। आप जी दौलत खां पास पुजे अते दस्त पंजा लै के बैठ गए। काजियां ने गुस्सा मनाया कि राज दे कर्मचारी दा इस तरह बगैर सिर चुकाए फिर दस्त पंजा लै के बैठना दरबारी मर्यादा दी उलंघना है। सो पुछया गया कि तुसां सिर क्यों नहीं चुकाया तां गुरु जी ने खुशवक्त राय दे कहन अनुसार फरमाया, आ तमा बूद सलाम मी करद, गर्दन बे तमा बुलंद बवद। भाव हिरसी ही सिर चुकाउंदा है, बगैर लालच वाले दा सिर हमेशा उच्चा ही रहिंदा है। काजियां दा अगला प्रश्न सी, हिंदू हस्ती कि मुसलमान? गुरु जी ने फरमाया, हर दो नेस्तम बंदै खुदा हस्तंद, की हमा महजब अज मन हस्तंद। दोवां विच्चों कोई नहीं हां, खुदा दा बंदा हां अते सारे धर्म मैनू प्यारे हन। भाई मणि सिंह जी लिखदे हन कि गुरु नानक देव जी नूं जद ना को हिंदू ना मुसलमान बोलदा कटक ख्यालिया ने सुनिया तां दौलत खां नूं करड़ी कारवाई करन लई आख्या। उसने साफ इनकार कर दिता। काजी ने इत्थों तक कहा, खान तू गलती कर रहा है, तू भुला है। जद बाबे नूं परे दरबार विच पुछया गया कि तू कौन है तां नानक जी ने फरमाया,
मैं वाहेगुरू बिना दूजा कुछ नहीं जानता। देह ही हिंदू है, देह ही मुसलमान है, मैं दोहां दा साखी न्यारा हाँ। खां ने सब दरबारियां सामने गुरु नानक जी अगे सिर झुकाया ते कहा, जो मैं आप नूं खुदाए दा वली जानदा हाँ। जद दौलत खाने मन टिकाओ दा तरीका पुछया तां गुरु जी ने कहा, ज्यों ज्यों तेरा ध्यान निकल जाए त्यों त्यों दृढ़ कर। पर काजी चुप करन वाले किथे सन, उन्हां कहा कि इह गल यकीनी है कि जो भी हजरत ते ईमान लियाउणगे ओहो ही छुट्टणगे। गुरु नानक जी ने कहा, ऐसा नहीं, गुरु पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए, पराया हक खुदाए अते हजरत मनहे किया है। उत्थे एक होर इनकलाबी गल करदे हुए फरमाया, नरक पराया हक खांदे ही जांदा है। काजी ने होर तर्क करदे हुए कहा, जो सब एक हन तां साडे नाल नमाज़ पढ़। गुरु नानक देव जी सब नाल मसीत गए। जब सारे नमाज़ पढ़ रहे सन तां बाबा जी दो वारी हसे। काजी ने कहा, देख्या खान, इह काफर साडी नमाज़ नूं हसया है। तां दौलत खान ने पुछया, बाबा जी तुसी साडी नमाज़ नूं क्यों हसे हो? बाबे ने कहा, मैं नमाज़ नूं नहीं उठक बैठक नूं हसया सी। जे उठक बैठक ही करनी सी तां ओह मसीत तो बाहर भी हो सकती सी। जिस वेले तुसी उजू करदे सी उस समय तुहाडा मन नमाज़ वल है सी अते तुहाडे उपर खुदाए प्रसन्न सी। जद नमाज़ पढ़न लगे तां मन ना खलोता। इमाम नूं कहा, तू इमाम है, तेरे पिछे लग सब नमाज़ अदा करदे हन। सो तेरे घर घोड़ी सूई सी, तेरे घर खूह है, तेरा ध्यान उधर गया, मत मेरी बछेरी खूह विच पै जांदी होवे। जे इमाम दा मन रिहा नहीं तां होरना दी नमाज कित्थों कबूल पवे। फिर खान ने सारियां नूं संबोधन करदे होए कहा, इह कोई वली पैदा होया है, इस दी सेवा करनी प्रवान है। कन्हैया लाल तरीख ए पंजाब विच इस घटना बारे लिखता है कि गुरु जी नवाब नाल नमाज़ पढ़न तुरे, शहर विच रौला पै गया, अज नानक जी मुसलमान बन जाणगे। नवाब ने इमाम जदों नमाज़ पढ़न लई खलोते तां आप जी शामिल ना होए। नमाज़ अदा होण पिछों नवाब ने इसदा कारण पुछया तां गुरु जी ने कहा, तुसीं तां नमाज़ विच खलोते काबल दे घोड़े खरीद रहे सौ अते इमाम नूं इस गल दी चिंता खा रही सी मते उसदी घोड़ी दा विशेरा खूह विच ना डिग पवे। इस तरह बाकियां दे मन भी अपने अपने धंधियां विच रुझे हुए सन, ओह सच्चे दिलों नमाज़ नहीं सन पढ़ रहे। मैं इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ी, अजिही नमाज़ नालों तां ना पढ़नी ही चंगी है। इन सब नूं अपने अपने दिल दी मैल दा पता सी, इस लई बाबा नानक नूं कुछ ना कहा। उन्हां जान लिया कि इह वली है। दौलत खां इस भेद भरी गल ते हैरान रह गया अते भुल बख्शाई। आप जी ने अपना पहला लिया निर्णा भी उत्थे ही दोहरा दिता सी कि हुण ओह सुल्तानपुर नहीं टिकणगे अते हर उस टिकाणे ते पुजन दा जतन करनगे जिथे कुधर्म पैदा हुंदा है। भाई गुरदास जी दे शब्दां अनुसार बाबे ने ध्यान धर देख लिया सी कि आदर्श दी खुंजी लुकाई त्राह त्राह कर रही है। उन्हां नूं सोधन लई ओह मैदान विच निकल पए। पहला नवाब, फिर जय राम जी, फिर उन्हां दी पत्नी अते बच्चे, पिछों पिता अते माता जी अते सस सहुरे ने रोक पाउणी चाही तां ओह अपने इरादे ते अहल सन। दौलत खां ने बस हुण इन्नी ही अर्ज कीती सी कि जो राह दुनिया नूं देना चाहोंगे उसदी रोशनी उसनूं ही देवो। महाराज ने बख्शिश कीती अते जिस खिजर दे दर्शनां लई तरसदा सी ओह आप ही हो गया। महिमा प्रकाश दे शब्दां विच, शब्द सुना जब खान सोया मन जागा तभी, होए रहा हैरान भई मुहब्बत रब की। भई मरदाने नूं भी नवीं रवाब फिरंदे कोलों बनवा दित्ती सी अते निशाने भी उन्ना मिथ ले सन। हिसाब करन ते तवारीख गुरु
खालसा के कथन अनुसार 760 रुपए गुरु नानक जी दे वद निकले सन। तुरन वेले नवाब अते जयराम जी ने बहुतेरा चाहिया कि भारी रकम गुरु नानक जी दे पुत्रां दे नाल लगा दित्ती जावे, पर गुरु जी ने सुल्तानपुर छड़न तो पहला ही सारी रकम लोड़वंदा विच वंड दित्ती। इस तरह 4.5 साल इनकलाबी बचन अते करम करके बाबा जी भेखी प्रभु न पाई है अते तां किछ काल पवे दर लेखे जे उसकी नज़र होवे दा आदर्श दृढ़ कराउण लई हिंदू केंद्रां वल 1505 ईस्वी विच रबाबी भाई मरदाना नाल चल पए। नानकी जी नूं कहा, जद याद करोंगे उसे वेले आ जावांगा, सिमरन जब करो आए मिलो तिस काल। जद फिर सुल्तानपुर आए, पहली उदासी की समाप्ति उपरंत आप जी पहला सीधे सुल्तानपुर आए। फिर दौलत खां नाल कई दिन विचारां हुंदियां रहियां। उसने कई शंके उठाए जिन्हां दी आप ने निवृत्ति कीती। पुछण ते सुरखरू होण दा राह भी दस्या अते संसार नूं टिकाणा ना समझो, इह ही जाणो कि इत्थों तुर जाणा है। तां दौलत खां ने कहा, जी तू ओहो कोई है भाव खुदा है, तेरा भी शुमार कीता किछ नहीं जांदा। साहिब जी दिलां दा मालक है, सो तां किन्ने डिठा नाहीं, इत्थे तां जहान विच दिलां दा मालक तू ही है। गुरु नानक जी ने फिर भी निम्रता विच भिजे शब्द बोलदे आख्या, खान जी तू निहाल हुआ अते तेरे पिछे असी भी निहाल होए। जिस साहिब सच्चा चित आया, मेहरबान दे कथन अनुसार दौलत खां ने तरले कीते कि ओह राज काज दे काम नूं संभालन। उसने कहा, बाबा नानक जी एह राज जो है सो सब तेरा है, तेरे आगे है। नेकी कर भावें बदी कर, स्याही कर भावें सुपैदी कर, ज्यों जाणहे त्यों चलाए, इक प्रसाद मुझ क्यों तू देहे, जो बैठा मैं खाऊं, होर सब कुछ तेरा है, धन माल राजपाट तू इस काम क्यों कबूल कर। गुरु नानक जी ने यह सब कुछ सुन के कहा, दौलत खां मैं जानता हाँ कि यह बात हम क्यों मत कही है, अजे किन्ना कुछ होर करन वाला है। जद कुछ लोगों ने परमात्मा नूं पाउण दा राह पुछया तां आपने गुरमुखां दी संगत शब्द दी टेक अते हिरदा शुद्ध रखण दा उपदेश दिता। सारा सुल्तानपुर गुरु नानक देव जी नूं हिंदू मुसलमान कर पीर अते वाह बाबा नानक जी कह उठिया। दूजी फेरी विच गुरु नानक देव जी कुल 5 दिन सुल्तानपुर टिके सन। अज असी बलियो चिराग किताब दे 57 पन्ने पढ़ चुके हाँ, बाकी दी किताब असी अगले भाग विच पढ़ांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।